सो गाइज अभी जैसे कि पीछे देख रहे हो समर सीजन आ चुका है, रात के 9-9 बजे तक यहाँ पे डेलाइट रहती है। तो काम भी खुल चुका है। जब हम जनवरी में आए थे तो मैं पहले आपको बता दूं कि मैं जनवरी में आया था यहाँ पे यूके में, उस टाइम पे काम बिल्कुल भी नहीं था, 4-4:30 बजे रात हो जाती थी। तो अभी 4 एक्स्ट्रा घंटे मिल रहे हैं तो काम काफी ज्यादा खुल चुका है। एंड लिटरली ऐसे हम रास्ते में चल रहे हैं तो लोग लीफलेट्स पकड़ा के जाते हैं। मेरे पास घर पे एक लीफलेट पड़ा है, यहाँ पे मैं फोटो डाल दूंगा उसकी। तो लीफलेट्स देकर जाते हैं लोग, आओ हमारे पास काम करो। कुछ एजेंसीज हैं जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, वो एजेंसीज वाले लिटरली ऐसे रास्तों में लोगों को लीफलेट्स बांटते हैं कि ज्वाइन करो, हम 11 पाउंड पर घंटा पैरा उसका काम है, यू नो रेस्टोरेंट में काम मिलेगा आपको, वो सब चीजें अभी चल रही हैं यहाँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी लोकल एजेंसीज के बारे में बताऊंगा। सो आपको पता ही होगा मैं वेस्ट लंदन में रहता हूँ, तो यहाँ पे जो लोकल एजेंसीज हैं जो कि फूड पैकिंग का काम हो गया, एयरपोर्ट में वेयर हाउस हो गए, वो एजेंसीज काम प्रोवाइड करती है, कितनी पे होती है, उनके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एवरीथिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप वेस्ट लंदन में नहीं रह रहे तो कैसे ढूंढनी है आपको एजेंसी उस एरिया में जहाँ पे आप रह रहे हो, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये जब मैं बोलता हूँ ना, ये वेस्ट लंदन में अगर आप रह रहे हो तो यू विल नो कि यार एयरपोर्ट के साइड में हम रह रहे हैं, यहाँ पे 5-5 मिनट बाद प्लेन्स जाते हैं। चलो खैर, कुछ यहाँ पे गुड रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, बड़ी बड़ी टेम्प्रेरी जॉब्स भी देगी, परमानेंट जॉब्स भी देती है, इवन टीयर 2 जो स्पॉन्सरशिप जॉब्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जा रहा हूँ मैं जॉब पे, गर्मी इतनी ज्यादा है, अभी घर से निकला ही हूँ, 2 मिनट हुए यार, जैकेट उतर गई है देख लो, और आज क्लाउडी है, अभी इतना सनी है नहीं। तो गाइस मैं अभी पहुंच चुका हूँ काफी ज्यादा दूर अपने घर से, हमने वीडियो स्टार्ट करी थी कुछ यहाँ से 30-34 माइल से, एंड अभी मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, 2 घंटे लगे बस में आने में। सो गाइस सबसे पहले बता देता हूँ आपको कि एजेंसी क्या होती है। तो बेसिकली ये लोग ब्रोकर्स होते हैं, मान लो चलो एयरपोर्ट को स्टाफ चाहिए तो एयरपोर्ट तो आपको एक एक बंदे को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तब एयरपोर्ट्स क्या करते हैं, ऐसी एजेंसीज को कॉन्टेक्ट करते हैं, तो ये बोलते हैं कि हमें 200-300 लोग चाहिए, और ये कहते हैं कि हम आपको 200 लोगों के लिए वी विल पे यू अराउंड 13 पाउंड पर स्टाफ पर आवर। अब एजेंसी क्या करती है, वो आपको 11 पाउंड या 10 पाउंड में जॉब दे देती है, 1 घंटे में 2 पाउंड का वो ब्रोकरेज चार्ज हो गया। इसमें आपका ही फायदा होता है, एजेंसी का तो फायदा नहीं है 2 पाउंड। तो ऑब्वियसली हाँ, ये कभी मत सोचना कि एजेंसी मुझे जॉब देगी या नहीं, जॉब अगर वो आपको देगी तो उनका ही फायदा होगा। अभी आपको कोई भी एजेंसी का नंबर मिलता है रजिस्टर होने के बाद, दैट डजंट मेक श्योर कि आपको जॉब मिल जाएगी, दोबारा कॉल कर करके आपको पूछना पड़ेगा। बहुत मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है कि वो बहुत मतलब थोड़ा एम्बेरस फील करते हैं कि क्यों कॉल करें बार बार, कॉल कर लो यार। तो मैंने काफी फ्रेंड्स को देखा है कॉल करके उन्होंने काफी ज्यादा जॉब बुक करवाई है। चलो आपको बता देता हूँ कि आप एजेंसीज कैसे ढूंढोगे, आप कहीं भी हो लंदन में, इनफैक्ट यूके में कहीं भी हो, गूगल में जाके ये टाइप करना रिक्रूटमेंट एजेंसीज नियमी, वो बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएंगे, डायरेक्शंस मिल जाएंगी, फोन नंबर्स मिल जाएंगे, कॉल करके पूछ लेना, कॉल नहीं उठाएंगे तो जाकर पूछ लेना, वो भी नहीं होगा तो वेबसाइट में ऑनलाइन अप्लाई कर देना। मैं रहता हूँ वेस्ट लंदन में जैसे कि मैंने आपको कहा, तो यहाँ पे जो 3 एजेंसीज हैं, नंबर 1 इज 7 स्टार्स, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मैं डाल दूंगा, नंबर 2 इज डायरेक्ट स्टाफ यूके। मैं आपको कहानी बताता हूँ, मैंने जनवरी में आकर ना 15 दिन में ही मैंने मेरे को पता चल गया था, यहाँ लोकल काफी ज्यादा घूमा मैं, उस टाइम पे मेरे को जॉब नहीं मिली, ऑब्वियसली काम थोड़ा कम रहता है, बट अभी उन्होंने खुद कॉल करके मेरे को देवर लाइक कि अगर आपको शिफ्ट चाहिए तो अभी शिफ्ट मिल रही है, आप ले सकते हो, एंड द पे इज 10.45। ये सीन होता है कि गर्मियों का मौसम खुल जाता है ना जब, तो ये लोग खुद कॉल करते हैं। एंड द 3rd एजेंसी इज द कोर रिक्रूटमेंट, जो मैंने आपको लीफलेट दिखाया था वो तो अभी भी बांट रही है, उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कहीं भी हो लंदन में यूके में, डोंट फॉरगेट कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो एजेंसी में बात करने, अपना NI नंबर आपके पास होना चाहिए, BRP कार्ड होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट ले जाना, एड्रेस प्रूफ है ना वो ले जाना, बैंक की स्टेटमेंट, वो एड्रेस प्रूफ मांगेंगे तो आपके पास होगा नहीं, तो वहाँ पे बैंक की स्टेटमेंट चलेगी अनटिल अनलेस यू हैव योर प्रोविजनल लाइसेंस। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई डिपेंडेंट है, कोई अपने स्किल्ड वर्कर वीजा पे आया हुआ है, कोई जॉब्स नहीं मिल रही, किसी को कन्वर्ट करवाना है, कोई PSW में, तो शॉर्ट टर्म जो जॉब्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया 3 एजेंसीज, वो आपको सिक्योरिटी गार्ड, क्लीनिंग एंड ऑल, वो सब छोटी मोटी जॉब्स दे देंगी, बट फॉर द टाइमिंग आप वो कर सकते हो, लाइफ में जो आपका 5-year गोल है उसमें कुछ हेल्प नहीं करेंगी। तो उसके लिए आई एम गोना शेयर विद यू द 5 एजेंसीज, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है यूके में, वो जॉब्स भी आपको दिलवाएंगे, Tier 2 स्पॉन्सरशिप भी वो दिलवा सकती है। यू जस्ट हैव टू फॉलो देम, दे कीप पोस्टिंग द जॉब्स एवरी वीक, लिंक्डइन पे आपको जाके फॉलो करना है, आई होप आपको पता होगा कि लिंक्डइन क्या है। सो गाइस द 1st एजेंसी इज द रेड लाइन ग्रुप, इसके लिंक्डइन पे 30,000 फॉलोअर्स हैं,
ये एजेंसी बोथ टेम्प्रेरी एंड परमानेंट जॉब्स प्रोवाइड करती है कुछ वैसे सेक्टर्स में लाइक मेडिकल सेक्टर्स, आईटी सेक्टर्स, बाकी आपको फोटो में पूरा दिख रहा है। आप लिंक्डइन की आईडी बनाओ अपनी एंड वहां पे जाके इनको फॉलो करो। ये वीकली जॉब्स पोस्ट करते हैं, इनके अबाउट सेक्शन में आप पूरा पढ़ सकते हो कि पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या डिग्री, क्या पढ़ाई की होनी चाहिए, एवरीथिंग वहां पे लिखा हुआ है। पे भी इंक्लूड करते हैं पर ईयर की। नंबर टू एजेंसी इज द हेज यूके। इनके मोर देन 6 लाख फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे। लास्ट ईयर इन्होंने 2,80,000 जॉब्स दी थी जिसमें से 2,44,000 टेम्प्ररी जॉब्स थी एंड 77 परमानेंट जॉब थी। हेज यूके जो एजेंसी है ना गाइज, ये कंसल्टेंसी एजेंसी है। इसमें जब आप इसके साथ लिंक्डइन में कनेक्ट हो जाओगे, इनको मैसेज करोगे, तो ये मान लो एक कंपनी को एक स्टाफ की ज़रूरत है, ये कैटेगरी के स्टाफ की ज़रूरत है एंड यहाँ पे आप कनेक्ट हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, आपकी डिग्री आपके स्किल के हिसाब से आपको एक डेजिग्नेटेड जॉब प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड वाइड। एंड ये काफ़ी फेमस एजेंसी है वर्ल्ड वाइड, यूके में हर जगह ये आपको जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिंक्डइन पे एक प्रॉपर आईडी बनानी पड़ेगी, उसमें आपको अपनी सीवी डालनी पड़ती है। इफ़ यू नो कि लिंक्डइन में कैसे आईडी बनाती है तो इट्स फाइन, इफ़ यू डोंट नो कि लिंक्डइन में प्रॉपरली आईडी, क्योंकि बहुत लोगों के पास प्रॉपर आईडी नहीं होती, स्किल्स होती हैं, सीवी होती हैं, डिग्री होती है, बट प्रॉपर आईडी नहीं होती, तो फॉर दैट आई हैव वन ऑफ माय फ्रेंड विक्की। हाय मनप्रीत, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर वीडियो। I work as a head of candidate selection for one of the leading French RPO based in the UK. I see loads of applications day in and day out. And if we talk about recent graduates, I see lots of mistakes in their profiles, for reference, their CVs, their LinkedIn profiles, their interview skills, etc., etc. And with regards to their CVs, I usually observe a pattern which just tell me about their education, current work experience and their past education, so on and so forth. And the job that they apply for is completely different from the background. Employers here in the UK don't really like such things. Don't get me wrong, nothing wrong in switching careers, but there is a process involved to it where they need to prove a certain relevance for that role, which I rarely see happening. Merely providing the current details won't take you anywhere. They need certain degree of experience, in my opinion. And if not, then some projects related to the job they are applying for, that may be useful. Or if not, the certification may also help in certain cases. If you are not doing that, the odds of getting a call from a recruiter is almost zero. Similarly, there are other things which I see recent graduates miss out in their LinkedIn profiles. Heck, I have even seen many grads not even having the LinkedIn profile, yet alone having a credible one. Other thing that I observed there in LinkedIn profile is like candidates have it just for the sake of having it. They are barely completed. They are very less active on it, which is of no use in my opinion. One needs to treat their LinkedIn profile as a representation of themselves. It should talk about the skill set, it should talk about the capabilities they have, their potential as a candidate, so on and so forth. Just don't use your LinkedIn profile for job applications and messaging the recruiters. All the list of skills, all the skills you have should be listed on your profile. Chances of the LinkedIn profile being picked up is much higher if you list out all the skills that you have while the recruiters hadn't, basically. Just like that, there are many other small mistakes here and there which needs tailored solutions. And if you are struggling with anything like this, feel free to reach me out on LinkedIn and we will take it from there. I always say this, getting a white collar job here in the UK is more of a journey. You can't just wing it. One needs to build a good profile that helps them out to stand out in the competitive UK job market. Yeah, over to you, Manpreet. Thank you. Thanks, Vicky. I'm glad to have you in my video. Guys, you people can go and follow Vicky. Description में उनका link है, even उनकी website का link मैं डाल देता हूँ, आप जाकर देख सकते हो, check out कर सकते हो. The third agency is Agile Recruit, जो कि Manchester में, and this is the hidden gem, क्योंकि अभी इसको LinkedIn में सिर्फ 4,000 लोग ही follow कर रहे हैं. ये agency ज़्यादातर data के sector में, you know, आपको jobs provide करवा सकती है. यहाँ पे आपको screen में show कर रहा होगा कि किस areas में ये ज़्यादातर deal करती है, क्या क्या roles में आपको job provide करवा सकती है, data scientist, data entry, data एनालिस्ट एंड एवरीथिंग दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में. नंबर 4 इज द ब्राइट रिक्रूटमेंट लिमिटेड. इसका हेडक्वार्टर्स चेल्टनहैम ग्लॉस्टरशायर करके एक जगह है, वहां पे आपको मिल जाएगा.
अभी इस वक्त इसको सिर्फ 8,000 लोग फॉलो कर रहे हैं एंड स्क्रीन में दिखा रहा होगा कि किस जॉब्स प्रोवाइड करने में ये स्पेशलिस्ट है। द फिफ्थ एजेंसी इज द माइकल पेज, काफी ज्यादा नामी यू नो पीपल इंडिया में भी इसको फॉलो करते हैं। ये टीयर 2 स्पॉन्सरशिप वगैरह में भी डील करते हैं, इनको जाके अच्छे से चेक कर लेना। ऑल गाइस, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सो गो एंड फॉलो विक्की, एक लिंक्डइन की प्रोफाइल बना लो, उसके बाद गो एंड टॉक टू विक्की, वो आपको ग्रूम कर देंगे प्रॉपर तरीके से, आपकी आईडी बना देंगे। बाकी यार छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, टारगेट फॉर द बिग गोल सिर्फ फॉलो करना है, एंड अगर जिस दिन आपको अपनी यू नो डिजायर्ड जॉब मिल गई जस्ट अप्लाई कर देना है वहाँ पे। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द वीडियो कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड चलो अभी आई एम अबाउट टू रीच होम, मिलते हैं अगली वीडियो में, गो बाय।